राजस्थान पुलिस अकादमी परिवार में आप सभी का आज के इस वैलिडिक्ट्री सेशन में स्वागत करती हूँ। डायरेक्टर सर, राजस्थान पुलिस अकादमी को स्वागत उद्बोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ श्री राजीव दासोत सर। आदरणीय डॉक्टर सुबोध अग्रवाल साहब हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, सम्माननीय श्रीमती रोली अग्रवाल जी आज के हमारे कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि, यहाँ पर उपस्थित एजुकेशन डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारीगण, राजस्थान पुलिस अकादमी के अधिकारीगण, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी इस अकादमी परिवार की जो सदस्य बन चुकी हैं और जिन्होंने अकादमी को इस तरह से आत्मसात कर लिया है और अकादमी के सारे कार्यक्रमों में पूरे दिलोजान से जो सब सम्मिलित हो गई हैं, ऐसी विमेन सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम की हमारी प्रशिक्षु। सबसे पहले तो मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथि महोदय, और ये भी मैं आपको निवेदन कर दूँ सभी की जानकारी के लिए कि आप श्री और श्रीमती हैं साथ में, तो श्रीमती रोली अग्रवाल जी और श्री सुबोध अग्रवाल जी का मैं राजस्थान पुलिस की ओर से, राजस्थान एकेडमी परिवार की ओर से और आप सभी पार्टिसिपेंट्स की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं और मैं आभार भी आपका व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर सिर्फ एक फोन से, कोई फॉर्मल इन्वाइट नहीं किया, कोई लेटर नहीं किया, लेकिन सिर्फ मेरे एक फोन से आप दोनों ने ही यहाँ पर आने की, आप लोगों को उद्बोधन देने की, आपके साथ समय बिताने के लिए जो स्वीकृति दी उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आज जिस कार्यक्रम के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उसकी बहुत ब्रीफ में जानकारी दूंगा क्योंकि उस पर डिटेल प्रेजेंटेशन कोर्स डायरेक्टर प्रेजेंट करेंगे, लेकिन निर्भया कांड के बाद सभी जगह इस तरह की बात हुई कि कोई ना कोई प्रोग्राम करना चाहिए जिसमें कि वुमेन सेल्फ डिफेंस की बात की जाए, क्योंकि पुलिस या प्रशासन लोग हैं वो सब फर्स्ट रिस्पॉन्डर नहीं है, उसमें हमेशा टाइम गैप हो जाता है। ये गैप 5 मिनट का हो सकता है, 5 घंटे का हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है। फर्स्ट रिस्पॉन्ड अगर करना है तो उस गर्ल को या वुमन को खुद को करना पड़ेगा और हम ये चाहेंगे कि उसको इस तरह से तैयार कर दें कि एक बार तो वो इस प्रकार के किसी भी व्यक्ति अपराधी से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए। ये निर्भया कांड के बाद सोच जगी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बालिका आत्मरक्षा योजना 15 अगस्त 2014 को उदयपुर में लॉन्च की। फॉर्चुनेटली उस वक्त मैं वहाँ पे खुद उपस्थित था और पहली उस लॉन्चिंग के वक्त मुझे ध्यान है वागड़ क्षेत्र की बांसवाड़ा जिले की 100 बच्चियों का हमने डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ पर करवाया था एज एडिशनल DGP RAC, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक अच्छी बात रही कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, जिनके प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं जो पूरी तरह से एक्टिवली हमारे साथ इन्वॉल्व हैं, इन्होंने ये सोच डेवलप की कि किस एजेंसी को इस काम के लिए आगे बढ़ाया जाए, और मुझे खुशी है कि इन्होंने राजस्थान पुलिस अकेडमी को नॉट ओनली फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट बल्कि पूरे राजस्थान सरकार के सभी विभागों के लिए राजस्थान पुलिस अकेडमी को नोडल एजेंसी चुना। मैम को आप सभी के लिए मार्गदर्शन के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं। आप सबको नमस्कार। पहले तो डायरेक्टर राजस्थान पुलिस अकेडमी राजीव दासोत साहब, माननीय मुख्य अतिथि सुबोध अग्रवाल साहब, हमारे सारे कोर्स टीम, यहाँ की जो कोर टीम है आरटीए की, ऑल माय PTI फ्रेंड्स और माय टीचर फ्रेंड्स जितने आप लोग हैं, मेरी हिंदी आप लोग जितनी अच्छी नहीं है तो मैं आपसे केवल, मुझे कोई भाषा नहीं देना, मुझे केवल कुछ बातें करनी है आप लोग से, बिकॉज मुझे ये राजस्थान पुलिस अकेडमी का, राजस्थान सरकार का जो इनिशिएटिव है ये बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही सराहनीय इनिशिएटिव है। और ये तो इनफैक्ट मेरे जहन में बहुत दिन से ये बात रही है कि हम लोग क्यों नहीं इसको सेल्फ डिफेंस को लड़कियों के लिए खासतौर से स्कूल्स की और कॉलेजेस के सिलेबस में कंपलसरी करते। तो मैंने आते ही पूछा था और डायरेक्टर साहब ने मुझे कहा कि शायद अब ये आफ्टर जो निर्भया कांड के बाद तो ये बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। दिल्ली में तो बहुत सारे ऐप्स और पुलिस, शायद यहाँ पे भी कई ऐप्स वगैरह भी पुलिस डिवाइस कर रही है लड़कियों की सेफ्टी के लिए, लेकिन मेन चीज़ ये है कि हम खुद ही एज गर्ल्स, एज नारी हैं हम, तो हम खुद ही क्यों नहीं इतने स्ट्रांग हो जाएं मेंटली। मेरा ये मानना है कि लेडीज़ को मेंटली और
हर तरह से स्पिरिचुअली इमोशनली ज़्यादा स्ट्रांग नहीं तो कम से कम बराबर स्ट्रांग हैं और कहीं भी कोई कमी नहीं है। बायोलॉजिकली हमें इस तरह से बनाया गया है कि हमें ठीक है थोड़ा सा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, हमें दूसरों पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसके लिए ये सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग है ये वाकई में एक बहुत ही सही एडिशन। को मैं एज ए चीफ गेस्ट अपने वैल्यूएबल सेशन वैल्यूएबल मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करते हैं डॉक्टर सुबोध अग्रवाल साहब। मैं परिचय के लिए अनुकृति जी धन्यवाद। और मंच पर मैं दो ऐसे व्यक्तियों के साथ बैठा हुआ हूँ जिनके सामने कुछ कह पाना मुश्किल काम है। राजीव दासोत मेरे सीनियर हैं और इनकी एक छवि है पूरे राजस्थान में भी और बाहर भी। ये जहां भी जाते हैं कुछ ऐसा आमूल चूल फंडामेंटल चेंज करते हैं जो याद रहता है। ये जिस भी जिले में रहे हैं उस जिले में इनको याद किया जाता है और इनकी जो काबिलियत है वो पूरे देश में विख्यात है। ये जो भी काम करते हैं इतनी बारीकी से इतने ध्यान से करते हैं कि वो आने वाले समय के लिए उदाहरण बन के रह जाता है। इससे पहले ही जब ये आरएसी में थे और ये सोच का फर्क है, ये बात मैं इनकी तारीफ में कम और आपके लिए इसलिए कह रहा हूं कि आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए। राजस्थान आरएसी में रहकर इन्होंने अपने लोगों को इतना बढ़िया ट्रेनिंग दी कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी बने। आज भी इन्होंने दो बातें कही, आप नोट करें कि पुलिस एकेडमी में हमारे पास दो चीजें हैं, बैंड और इक्विस्ट्रियन। और कभी आपने नंबर दो शब्द सुना इनसे? पहले में भी फर्स्ट और दूसरे में भी। डायरेक्टर सर से रिक्वेस्ट है कि सेल्फ डिफेंस कोर्स की प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित कर उनका हौसला हिमलता रावत अनीता मीणा खुशबू महावर रेखा कुंभर ताराबाई दादा चौहान शर्मा और मिस्टर पार्टी हरी सिस्टम।